राजगढ़ पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के चलते कटारिया खेड़ी गांव में छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से भारी मात्रा में शराब जब्त कर उसे नष्ट किया गया है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। इसी के चलते राजगढ़ पुलिस और जिला प्रशासन की टीम कटारिया खेड़ी गांव पहुंची, जहां मौके से 600 लीटर कच्ची शराब, 70,000 लीटर लहान सहित अन्य सामग्री को जब्त कर नष्ट किया गया है। इस दौरान मौके पर आला अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस और प्रशासन की उचित कार्यवाही से एक बार फिर शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस आगे भी अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही के मूड में नजर आ रही है। 600 लीटर शराब कच्ची हाथ भट्टी की और कुछ विदेशी शराब जब्त की गई है, तथा 70,000 लीटर लहान को नष्ट किया गया है। इस तरह से करीब 32 लाख का कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।